नमस्कार मध्याह्न खबर को स्वागत करछु मु स्मृति लग्ना। प्रथमे नजर पकाइबा हेडलाइंस परे। रेल कंटेनर रु ऑक्सीजन लीक, अग्निशम विभाग पक्षर अम्लजान लीक रोकिबा को उद्यम जारी। कलाहांडी केसिंगा रेल स्टेशन निकटे अघटन। झारसुगुडा रु रायगडा अभिमुखे जाउथला 20 रु ऊर्ध कंटेनर अम्लजान। अभिषेक महापात्र इक्मो चिकित्सा आज एयार आंबुलांस जिबे कोलकाता। आर्थिक समस्या जो ट्रिटमेंट होता समस्या, कोविड आक्रांत हो जीवन मरण सह संग्राम कर भद्रक पु। देश में क्रमगत द्वितीय दिन में कमिला संक्रमण संख्या गत 24 घंटा भितर 92,596 जन संक्रमित चिन्हट। सेपटे राज्य में आज 43 मुंड नहीं महामारी। 6019 पॉजिटिव खोर्धार सर्वाधिक। बापा को हत्या करी हाथ गोड़ बांधी कुओ को फिंगिला पुआ। गंजाम जगन्नाथ प्रसाद थाना जीराबाड़ी गांव में अघटन। सामान्य बचसा को केन्द्र कर नृशंस हत्या। घटनास्थल में पुलिस छानबीन। गछरे पिटी हेला कार, चलीगला स्वामी स्त्री जीवन। तीन गुरुतर को पुराणा कटक डाक्तरखाना भर्ती। बौद्ध चारि छक मर्मन्धुत सड़क दुर्घटना। आसुची आउ एक लघुचाप। आसंता 11 बंगोपसगर में लो प्रेसर सृष्टि होगा संभावना। प्रभाव में कालीठू राज्य विभिन्न स्थान में हो पारे प्रबल अति प्रबल वर्षा। एवं आज श्रीमंदिर में महाप्रभु बनक लागि नीति। द्वितीय भोग मंडप उठा पर श्रीजी को श्रीमुख श्रृंगार करे दत्त महापात्र सेवक। गुप्त नीति लागि अपराह 4 राति 8 पर्यंत 4 घंटा दर्शन बंद। संपूर्ण खबर को आसीबा। रेल कंटेनर रु ऑक्सीजन लीक होइछे। रेल जुगे अम्लजान परिवहन समय कंटेनर रु अम्लजान निर्गत होइछे। कलाहांडी केसिंगा रेल स्टेशन निकट रे घटना घटी। सूचना पाई अग्निशम विभाग पक्षर अम्लजान लीक रोकिबा पाई उद्यम जारी करा जाइछे। 20 रु ऊर्ध कंटेनर रे अम्लजान झारसुगुडा ठारो रायगडा अभिमुखे जाउथला। झारसुगुडा रो एक टीम केसिंगा आसुतबा रेलवे पक्षर सूचना दिया जाइछे। बाबद्रे अधिक सूचना पाई फोन लाइन में आमर रिपोर्टर जसवंत धांगड़ा माझी अछंती। जसवंत कौन सूचना रहुची? हाँ स्मृति लग्ना देखो आज सकाल जहाँ घटना मानने सामना को आसला जहाँ कि झारसुगुड़ रायगढ़ अभिमुखे एक जो अम्लजान मानने नहीं कि ट्रेन रेल गाड़ी जो जाऊला 20 रु ऊर्ध कंटेनर अम्लजान नहीं कि झारसुगुड़ रायगढ़ अभिमुखे जाऊला। जितेबले केसिंगा धारे जना पड़ा जो अम्लजान कंटेनर निला अम्लजान कंटेनर रु जो अम्लजान निर्गत होगा लगी केसिंगा रेल स्टेशन मान ट्रेन को सांगे सांगे सेठी अटका जाइए से जो अम्लजान जमी निर्गत होभली भाव में बंद कर जो अग्निशम विभाग केसिंगा रेल स्टेशन में पहुंची वर्तमान सुधा केसिंगा रेल स्टेशन रे अग्निशम बाहन से अच्छा केसिंगा रेल स्टेशन में अम्लजान को केमती कौन रोक कौटि लिक होमती लिक है वर्तमान अनुधान करमी लिक है अनुधान कर गोटे जिनस है झारसुगुड़ा ठार एक टीम केसिंगा को केसिंगा रेल स्टेशन को आसुचार आसला पर अधिक तथ्य जना पड़ो जे केमी लिक है कौटू लिक है लिक हबार कारण कौन बोली से मैंने आसला पर जना पड़ो तदंत कर। बहुत बहुत धन्यवाद जसवंत। आम रिपोर्टर रही थे जी अधिक सूचना दूसरे 20 रु ऊर्ध कंटेनर अम्लजान झारसुगुड़ रायगढ़ अभिमुखे जाऊला और अम्लजान लिक्र खबर पाइबा पर टीम आसी पहुंचुची यथाशीघ्र। रेल कंटेनर रु अक्सीजेन लिक्र सूचना ए बाबद्रे आप अधिक खबर देखुते किजुआल देखिपुंट कि भाव में अक्सीजेन लिक् हो कलाहांडी केसिंगा रेल स्टेशन निकट में घटना घटी और टीम को खबर दिजा पर एक टीम आसी पहुंचुची और पूरा घटनार तदंत आरंभ हो। फर्स्ट विजुअल आप देखिपुंट कि भाव में कंटेनर रु जिते ऑक्सीजन जाऊला तो कंटेनर रु लिक् होक्सीजेन झारसुगुड़ रायगढ़ अभिमुखे जाऊला। अग्निशम विभाग पक्षर
अम्लजान लीक रो खबर पाइबा पर गोटे टीम आसी पहुंची 20 रु ऊर्ध कंटेनर रे अम्लजान जाउतला झारसुगुडा रु एक टीम वर्तमान केसिंगा आसुथवा जहां ताजा सूचना फर्स्ट विजुअल आपण अर्गस न्यूज रे देखि पारुचंती कलाहांडी केसिंगा रेल स्टेशन निकट ये होची घटना जो चित्र आपण देखुचंती किभळी भाबरे अम्लजान लीक होची अग्निशम विभाग पक्ष अम्लजान लीक रोकिबा पई मध्ये उद्यम करा जाउची पूरा टीम लागिचंती एवं आगोटे टीम केसिंगा रु आसी पहुंचुचंती झारसुगुडा रु एक टीम केसिंगा आसुथवा सूचना देची रेलवे विभाग जीवन मरण सहित संग्राम करुथबा अभिषेक महापात्रंकर हेबो इक्मो चिकित्सा कोलकाता जिबे भद्रक रपुआ एने बीएमसी पक्षरु सूचना दिया दैछि गत 22 दिन होइ जिबो भुवनेश्वर एक घरै हॉस्पिटल रे अभिषेकर चिकित्सा चलिछि तंकर स्वास्थ्यवस्था दिनकु दिन बिगुडुथबारु ईसीएमओ चिकित्सा कराइबा पई डाक्टर देछंती परामर्श आज अभिषेक को एयर आंबुलेंस जोगे कोलकाता निया जिबो बोली सूचना दिया दैछि तेरे कोलकाता एक घरै डाक्तरखाना इक्मो चिकित्सा चलो सेपटे अभिषेक व्यय बहुल चिकित्सा पर आर्थिक सहायता करने को अनुरोध करिसेंती पत्नी मौसुमी महांती किसी समय पूर्व आपर प्रतिक्रिया शुणुते कांदी कांदी अनुरोध करिसेंती सहायता समस्त को निवेदन करिसेंती कारण वर्तमान समय अनेक पैसा अनेक अर्थर आवश्यकता रही जेतु पतिंकर चिकित्सा करा जिबो गत मे 5 तारीख रे विवाह करथिले भद्रक जिल्लार युव इंजीनियर अभिषेक महापात्र विवाहर 8 दिन पर ही तंकर देह असुस्थ होई पडिथिला या परे कोरोना संक्रमित चिन्हट होइथिले राजधानी रो घरै डाक्तरखाना रे से भर्ती होइछन्ते कोरोना संक्रमित संख्या कमुले सुधा मृत्यु संख्या किंतु बढ़ी चली 24 घंटे आउ 43 जीवन नहीं प्राणघाती कोरोना चिकित्साधीन अवस्था 18 जिलूर आक्रांत प्राण हर खोर्धार सर्वाधिक 5 जन मृत्यु होपटे गत 24 घंटे 6019 कोरोना आक्रांत चिन्हट होता संक्रमित भितर 3397 जन क्वारेटाइन सेन्टर में रही बेले 2622 जन स्थानीय संक्रमित लोकल केस आज अनुगुल 335 बालेश्वर 286 बरगड़ 122 भद्रक 262 बलांगीर 66 बौद्ध 79 कटक 531 देवगढ़ 24 ढेंकानाल 291 गजपति 34 गंजाम 73 जगत सिंहपुर 196 जाजपुर 406 झारसुगुड़ा 41 कलाहांडी 70 कंधमाल 76 जन कोरोना संक्रमित चिन्हट से भाव केन्द्रापड़ 218 केन्दुझर 120 खोर्धा 796 जहां सर्वाधिक कोरापुट 142 मलकानगिरी 85 मयूरभंज 333 नवरंगपुर 151 नयागढ़ 191 नुआपड़ 23 पुरी 324 रायगढ़ 108 संबलपुर 131 सोनपुर 65 सुंदरगढ़ 283 एवं स्टेट पुल 157 संक्रमित चिन्हट से भाई देश में गत 24 घंटे देश में 92596 जन कोरोना संक्रमित चिन्हट होती क्रमगत भाव में द्वितीय दिन देश में दैनिक संक्रमित संख्या 1 लक्ष कम रही संक्रमण हार 5% तले रही तेज 63 दिन पर मंगलवार दिन देश में सर्वनिम्न संख्यक कोरोना संक्रमित चिन्हट होती स्वास्थ्य मंत्रालय तथ्य आधार में विगत 24 घंटे 2219 जन कोरोना मृत्यु हो वर्तमान देश में मोट कोरोना आक्रांतों संख्या 2,90,99,000 छुई 3,53,528 जन कोरोना मृत्यु होई देश में 12,31,415 जन कोरोना चिकित्साधीन अच्छा बापा को हत्या परे कुआरे पकाइला पुओ गंजाम जगन्नाथ प्रसाद थाना जीराबाड़ी गाँव में देखा मिली एमती एक अभावन्य घटना कुओ भितर बापार हाथ गोड़ बंधा अवस्था मृतदेह उद्धार कर मृतकों ना हो बुलु साहू पारिवारिक कलह को नहीं एभली हत्याकांड घटी अनुमान सूचना मुताबक बुलु प्रतिदिन मद्यपान कर पर कलह करुते जगन्नाथ प्रसाद पुलिस और अग्निशम बाहन पक्ष कूर शब को उद्धार कर सब व्यवच्छेद पठे दिया दे भारसाम्य हर रास्ता कड़े गच्छे पिटीला कार दुर्घटन दंपति मृत्यु गुरुतर होती आनिज बौद्ध जिला पूर्णाकटक थाना अंतर्गत चारिछक घटी जा मर्मन्तुत सड़क दुर्घटना घटनास्थल स्वामी स्त्री मृत्युवरण कर मृतक मान गंजाम जिला बेलगुंठा थाना अंतर्गत मंदर गांवर सुरेन्द्र नायक और पत्नी राउरकेल रोकता निज बापा असुस्थता खबर पाइबा
सुरेंद्र निज पत्नी एवं संपर्कियों सह कारे गतकाली राति रे बाहरी थिले। आज भोर तांको कार भारसाम्य हराई चारिछक निकटरे रास्ता कडरे थिबा गच्छरे पिटी हेला। कार सम्मुख भाग भांगी रुचि जाइछि, संपूर्ण चुरमार होइछि। खबर पाई घटनास्थले पहुंचिथिला हरभंगा अग्निशम बाहिनी। तबे गुरुतरंको उद्धार करा जाइछि, पुरना कटक डाक्टरखाना रे भर्ती करा जाइथवा सूचना मिलछि। समय छोट ब्रेक रो ब्रेक पर फेरिबा खबर को देखिबा आउ किछि गुरुत्वपूर्ण खबर। आज संध्या 6:00 रे बसिबो राज्य कैबिनेट बैठक। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक अध्यक्षता रे बैठक अनुष्ठित हेबो। कैबिनेट केतोटी गुरुत्वपूर्ण प्रस्ताव उपरे आलोचना होई पारे। नवीन निवास रु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे शामिल हेबे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। तेज आज कैबिनेट बैठक उपर नजर रहा। आज संध्या 6:00 रे बसिबो राज्य कैबिनेट रो गुरुत्वपूर्ण बैठक। अनेक गुरुत्वपूर्ण प्रस्ताव उपर आलोचना हेबार कार्यक्रम रही। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे शामिल हेबे। आज संध्या 6:00 रे बैठक उपर नजर रहा। विजेएम स्कूल परिचालक प्रताप जेना नारे संगीन अभियोग आशा अभिभावक महासंघ आनी हत्या धमक अभियोग एने बरगढ़ थाना रे एतला देछि संघ। प्रताप को गिरफ सहित स्कूल आर्थिक अनियमितता ने विजिलेंस तदंत संघ दाबी करिछि। तबे हाईकोर्ट कर निर्देश सत्वे मध्य विजेएम स्कूल फी वृद्धि करथिबाकु विरोध करिछि अभिभावक संघ। यहा सह स्कूल कर्तृपक्ष तीन मास फी नदेले गोटे मास अतिरिक्त फी जोरिमाना आदाय करथुवा अभियोग आनी यहाँ विरोध करिबारु स्कूल परिचालक प्रताप जेना स्थानीय किसी सहयोगी और किसी असामाजिक व्यक्ति को लगाई जीवन में मारिदे को हत्या धमक दे थाना अभियोग सेपटे अभियोग को खंडन कर प्रताप जेना। तुम शासक दल तुम आज शासक दल अच तुम विद्युत छात्र जंत्र तुम धमकई कह कहीं प्रताप जेना विरुद्ध जाऊ अरे 4000 पिला पाठ पढ़ुंट तर 15% तुम कहीं बढ़ई महामारी समय मुख्यमंत्री को कहीं तुम सफई दे आम कमेदेलु बोली मुख्यमंत्री जितेबाला कहले पैसा कमा बोली तुम से प्रेस रिलीज करद शासक दल तुम शासक दल भी आम तुमको छाड़बू तुम केुंडा रखीच मुझ तुमको ओपन चैलेंज दूसरे अजित बेहरा तुम शस्ता सच पर्यवेक्षक अच आस तुम मो घर जाजपुर। तो मो दुखर विषय कहूँ मुझ सरकार को कौच जदि सरकार यप्रेक्षी में मुझे अनुरोध करुचे जे यही लोक आपण शासक दल रखनी आउ पर्टिकुलरली 5 सचिव को रिक्वेस्ट करुचे जे आपर टे विजिलेंस तदंत कर सब प्रकार संपत्ति जो ठूल करम प्रताप बाबू तापर टे ध्यान दे कि नजर दे कि से संपत्ति सब जबत करूँ आ सरकार राजकोष में मिशात जहाँ को ए विषय थ्रेटेन कराई से ओडिशा अभियोग महासंघ जो वरिष्ठ कर्मकर्ता एवं तरह शारीरिक असुस्थता भी एवं अच्छी दीर्घ 2 मास 3 मास शारीरिक असुस्थता भितर अच्छे सत्वे डाकी फोन मध्यम पाखे जाइ जो भाया कार्यक्रम ग्रहण कराई तथाकथित दलियों कहते आम दृढ़ विरोध करुँ दरकार पड़े कल माननीय मुख्यमंत्री उद्देश्य आ विरुद्ध चिठी प्रेरण करूँ जहाँ पर आप विहित कार्यानुषान ग्रहण करूँ। उत्तर प्रदेश रो कानपुर रे मर्मन्तुत सड़क दुर्घटना। बस एवं टेम्पो मध्यरे धक्का होईछि फळरे 17 जन यात्रींकर मृत्यु होईछि। दुर्घटना रे अनेक लोक गुरुतर मध्य होईछन्ति। संचरी थारे बस सहित टेम्पो मुहामुहि धक्का फळरे बस टी ओलटी पडिथिला। तेबे हॉस्पिटल रे 4 गुरुतरंकर चिकित्सा चलीछि। बस टी द्रुत गति रे लखनऊ रु दिल्ली जाउथिला एवं ऑटो टी उनवारो श्रमिकों को ने गुजरात अभिमुखे जाउथबा बेले दुर्घटना घटी। मृतकों भितर अधिकांश बिस्कुट फैक्ट्री काम करुवा श्रमिक रही सेपटे दुर्घटना नहीं दुख प्रकाश कर प्रधानमंत्री एवं यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पीएम रिलीफ फंड मृतकों परिवारवर्ग को 2 लाख टंका लेखाएं आहत मान चिकित्साई 50,000 टंका सहायता घोषणा कर प्रधानमंत्री। एक बस है अभी तक की जो जानकारी हम लोग को मिली है एक प्राइवेट बस उन्नाव से गुजरात जा रही थी कुछ मजदूरों को कर्मियों को लेकर के। इस बस की एक बहुत ज़ोरदार टक्कर हुई टेम्पो के साथ में जिस टेम्पो में स्थानीय सवारियां कुछ जा रही थी। ये कानपुर आउटर जनपद में सचिंडी थाना क्षेत्र है किसान नगर ब्रिटानिया फैक्ट्री के पास में ये घटना हुई। ज़्यादातर जो लोग टेम्पो में सवार थे उनको गंभीर चोटें लगी हैं और अभी तक 16 लोगों की दुर्भाग्य से मृत्यु होने की पुष्टि है।
5 लोगों का इलाज चल रहा है, बाकी लोग को जो चोटें लगी उनका भी इलाज चल रहा है। हमारा पूरा प्रयास है कि सबको अच्छे से अच्छे जो गंभीर इंजर्ड लोग हैं इलाज उनको मिले। और जो घटना क्यों हुई, कैसे हुई, इसके बारे में SP आउटर साहब मौके पे हैं, ADG जोन और IG रेंज साहब मौके पे हैं, वो जांच कर रहे हैं। जैसे ही स्थिति स्पष्ट होगी आपको अवगत कराया जाएगा। बरगढ़ जिला रे धानर अभाव बिक्री को नहीं तातिले चासी संगठन अतावीरा मार्केट यार्ड रे ताला पकाई कार्यालय सम्मुखें धान बोझे ट्राक्टर रखी धारण में बसी देखा मिली। अनेक दिन अभियोग सामनाकु आसी अनेक अभियोग सामनाकु आसीबा परे समाधान होई पर नहीं जोति पाई ताती छंती चासी। मार्केट जाए तो रोजन समाने कौन याजे जिन मान को टोकन लेफ्ट कर जे से धान उत्पाद नहीं। आसीबा परवर्ती खबर को किंतु ए ब्रेक पर ताको ये सरकार माने शासक दल कब्जा में नयागढ़ जिला प्रशासन जिलापालंकर आभिमुख्य को नहीं बड़ प्रश्न। परी हत्याकांड विरोधी आंदोलन नेतृत्व नेतृत्व लक्ष्मी प्रसाद सरपंच को बहिष्कार एवं रंकदेवड़ी पंचायत सरपंच माधव चंद्र साहू को बिना कारण दर्शाओ नोटिस पदच्युत करिछंति जिलापाल पोमो टुडु। सेपटे किंतु साकेरी पंचायत सरपंच पंचायत बैठक को न आसीबा एवं एथिपाई लिखित अभियोग सत्वे भी जिलापाल नीरव रही शासक दल समर्थित सरपंच पाई भिन्न नियम मात्र सरकार विरोधी सरपंच को विरोध रे दृढ़ कार्यानुष्ठान जहाँ को नहीं एवं विवाद रे नयागढ़ जिलापाल। शासक दल गोटे आईन विरोधी दल आउ गोटे आईन नयागढ़ जिलापाल पोमा टुडुंकर एमती आभिमुख्य कहीं कौन आईन टू ऊर्धरे नयागढ़ जिलापाल बिना कारण दर्शा नोटिस रे अभियोग मात्रे जड़े विरोधी दल समर्थित सरपंच को जिलापाल पदच्युत करदे परी हत्याकांड विरोधी आंदोलन नेतृत्व ने सरपंच को वार्ड मेम्बर को बहुमत बहिष्कार करदे कि एक वर्ष होगा हाइकोर्ट को हस्तक्षेप पर भी शासक दलर जड़े सरपंच को कहीं सुरक्षा देउछन्ति जिलापाल जिलापालंकर निरपेक्षता को नहीं उठी प्रश्न। अभियोग एक परी हत्या मामलें मंत्री विवादी ऑडियो वायरल करी चर्चा को आसीथिले लक्ष्मी प्रसाद सरपंच सम्यरंजन प्रधान तेब यार किछि दिन परे पंचायत वार्ड मेंबर मान अनास्था प्रस्ताव आधार में सरपंच सम्यरंजन को पदर हटाईदे जिलापाल। अभियोग दुई ठीक से हीपरी भाव शासक दलर विधायकों समर्थन न देवारु रणपुर ब्लॉक रंकदेवली पंचायत सरपंच माधव चंद्र साहू को तीनोटी बैठक में उपस्थित नथिबा कोई बिना कारण दर्शा नोटिस पदच्युत करते नयागढ़ जिलापाल। अभियोग तीन मात्र दिल्ली में रोकवा ओडगाम ब्लॉक साकेरी पंचायत सरपंच विवेकानंद प्रधान पंचायत कौन बैठक को आसुना एने तीन वर्ष होगा पंचायत वार्ड मेम्बर मानक लिखित अभियोग रही दीर्घ एक वर्ष होगा हाइकोर्ट घटना को विचार को नहीं उपयुक्त पदक्षेप ने निर्देश पर भी जिलापाल चुप शासक दलर सरपंच को जिलापाल सुरक्षा देउथुबा अभियोग होई आसुची। एक्चुअली मीटिंग होता तीन टाइम दस्खत करनी बोली मत से वार्डमेन मैंने कौन लिखी थे वार्डमेन मैं जो दस्खत कर ब्लांक पेपर में दस्खत नहीं कि राजनैतिक किसी लोक लिखे कलेक्टर को देते कलेक्टर भी मत कौन शोकज नोटिस न दे कि डायरेक्ट मत सस्पेंड कर देले सरपंच मानक विदा करवा गोटे सरपंच को जाणीशुणी हाइकोर्टर अर्डर को अवमानना करके विदा न करवा जो घटना सब घटी नयागढ़ आ नयागढ़ जिलापाल जी विजु जनता दल जिला सभापति हिसाब से नयागढ़ कम कर एक नयागढ़ लोक छी छी करा कर सब कथा को विचार करके आम दृढ़ दाबी करुचु कि नयागढ़ जिलापाल तुरंत यू स्थानातरित कराऊ विरुद्ध दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण कर। ओडिशा ग्राम पंचायत आईन 115 धारा अनुजाई पंचायत वार्ड मेंबर मानक अभियोग क्रमे अभियोग 6 मास मध्य यार जांच कर जिलापाल चूड़ा निष्पत्ति नेबार नियम रही शासक दल समर्थित साकेरी पंचायत सरपंच विरोध में कहीं कार्यानुष्ठान ने डर जिलापाल कहा चापर अदालत हस्तक्षेप पर भी चुप नयागढ़ जिलापाल पोमा टुडु। यदि जिलापाल राजनैतिक कार्यक्रम करेंगे तेल राजनैतिक दल मैंने कौन करेंगे तेणुक राजनैतिक दल हिसाब से वर्तमान जिलापाल जो कार्य कर दृढ़ भाव निंदा करुच्ची एवं जिलापाल को तुरंत यही नयागढ़ जिलूर बहिष्कार करा
ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯାଉ ଏବଂ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ଏହି ଅର୍ଡ଼ରଟା କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କେତେ ଦିନ ଆଉ ଲାଗିବ ବୋଲି ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛୁ, ଏବଂ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସାରା ଦେଶରେ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡେଲିଭରି ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ସେ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଇଏ ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଙ୍କୁ ଜଣେ ଆଇନର ଶାସନ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ କହିବୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଇନରେ ନିଜର ସାମ୍ବିଧାନିକ କ୍ଷମତାର ଦୁରୁପଯୋଗ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଏହି ପାତରନ୍ତର ନୀତି ବିରୋଧରେ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ସରକାର? ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।